बात अब छत्तीसगढ़ की करते हैं। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने आरोप अब ये लगाया है कि सरकार मिड डे मील के नाम पर मासूमों की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रही है। बीजेपी का अब ये आरोप है कि मिड डे मील के नाम पर प्रदेश में न केवल करोड़ों के वारे न्यारे किए जा रहे हैं बल्कि स्व सहायता समूह की महिलाओं से रोजगार भी छीना जा रहा है। तो आखिर क्यों लगाए गए बीजेपी ने सरकार पर ये आरोप और कैसे इस पूरे मामले पर गरमाने लगी है सियासत, आइए आपको इस रिपोर्ट के जरिए हम दिखाते हैं। छत्तीसगढ़ में सरकार की मिड डे मील योजना को लेकर सियासत गरमाने लगी है। बीजेपी ने इस मामले पर सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। दरअसल बीजेपी के जिलाध्यक्ष बाबूलाल गोयल का कहना है कि सरकार ने स्व सहायता समूहों से मिड डे मील बनवाना बंद कर दिया है और पूरे प्रदेश का ठेका अपने चहेतों को दे दिया है और सरकार की चहेती कंपनियां जो मिड डे मील उपलब्ध करवा रही हैं उसकी क्वालिटी खाने लायक नहीं है। हमारे सारे जिले की टीम ने, हमारे जिला पंचायत सदस्य लोगों ने जिले का भ्रमण किया। जिला में भ्रमण करने के बाद लोगों की भावनाओं को समझा और समझने के बाद ये स्थिति समझ में आई कि क्वालिटी बहुत ही घटिया है। अरहर की दाल ऐसा लग रहा है जैसे कनकी है और इसमें कौन सी दाल है, तिवरा है, खेसारी है, बटरी है, मटर है, ये समझ से परे है। इसको मैं तो कहता हूँ कि हमारे जिले के जो अधिकारी हैं और डीओ वगैरह हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, उनको खा के देखना चाहिए कि छोटे बच्चों को हम लोग क्या खिला रहे हैं। बीजेपी नेताओं ने ये चेतावनी भी दी है कि अगर सरकार और शिक्षा विभाग ने जल्द ही इस मामले पर कोई कदम नहीं उठाया तो बीजेपी एक हफ्ते बाद आंदोलन करने पर मजबूर होगी। इसकी जांच की जानी चाहिए कि इसमें कितना बड़ा घालमेल हुआ है और कितने करोड़ की, यहाँ जब एक जिले में इतना बड़ा घपला चल रहा है तो बाकी जिलों में क्या स्थिति है। बीजेपी की तरफ से उठाए गए इस मसले के बाद शिक्षा विभाग में भी हड़कंप मच गया। अधिकारी शिकायत मिलने पर मिड डे मील सामग्री की जाँच कराने और कमी पाए जाने पर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कह रहे हैं। राजस्व एसडीएम थे, बीएमओ हर ब्लॉक के थे, हमारे विकासखंड शिक्षा अधिकारी और फूड ऑफिसर, इतने लोगों ने मिल करके मध्यान्ह भोजन की जांच की थी, उसकी गुणवत्ता सही पाई गई है। फिर भी अगर किसी पर्टिकुलर जगह की शिकायत अगर प्राप्त होती है तो उसकी हम अलग से जांच कराएंगे और दोषी के ऊपर कार्रवाई जरूर करेंगे। आपको ये भी बता दें कि सूरजपुर जिले के साथ ही पूरे प्रदेश में मिड डे मील की भोजन सामग्री का वितरण कराने का काम एक ही एजेंसी द्वारा किया जा रहा है। मामला मिड डे मील और बच्चों की सेहत से जुड़ा है। ऐसे में देखना ये है कि मिड डे मील को लेकर शुरू हुआ ये सियासी संग्राम कहां जाकर थमता है और सरकार इस मामले पर क्या रुख अख्तियार करती है। सूरजपुर से अख्तर अली के साथ टीम न्यूज़ स्टेट।